Hello people, welcome back to the channel. This is Dr. Chandan from Dr. Chandan Dental Studio और आप देख रहे हैं The Wisdom Tooth. We are doing 365 days challenge जिसमें हम हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं on oral health education as well as dentistry. In lockdown के दिनों में we are providing free dental consultation to each and everyone जिनको भी dental related कोई भी problem है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, just मेरे Instagram पे मुझे DM करना है और अपनी कंप्लेन मुझे बतानी है और मैं आपकी पूरी तरह से सहायता करने की कोशिश करूँगा. तो आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ. आज का टॉपिक है लाइकिंग प्लानिस. तो आइए बात करते हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लाइकिंग प्लानिस भी OSMF की तरह एक प्री कैंसरस कंडीशन है. इसमें जो लीजन होता है, अगर आपको ओरल लीजन है, ओरल लाइकिंग प्लानिस है, तो मोस्टली ओरल म्यूकोसा में होता है. फिर और भी जगह है मुंह में, जैसे तालुआ हो गया, टंग एरिया हो गया, लेकिन मोस्टली ये ओरल म्यूकोसा में ही होता है. इसका जो लीजन होता है वो बहुत फ्लैट होता है, जैसे पत्थर पे एल्गी फंगस होती है वैसा इसका लुक होता है. देखने में थोड़ा रेडिश पर्पलिश होता है लेकिन फ्लैट होता है. अब हम बात करते हैं कि लाइकिंग प्लानिस और ओरल लाइकिंग प्लानिस की परसेंटेज क्या है हमारी लेग पॉपुलेशन में. तो अगर आपको लाइकिंग प्लानिस जो है वो है 0.9 to 1.2%, और अगर हम ओरल लाइकिंग प्लानिस की बात करें वो है 0.1 to 2.2%. इसकी इटियोलॉजी मतलब कॉज क्या है, अगर आप इटियोलॉजी की बात करें कि किस कारणों से ये होता है, तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से ये मोस्टली होता है. तो जैसे कि ऑटो इम्यूनिटी या फिर इम्यूनो डेफिशिएंसी हो, तो अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ये इजीली हो जाता है. उसके बाद अगर बात करें इन्फेक्शन की या हैबिट्स की, तो वो भी इसमें एक मेजर रोल प्ले करती है. अगर आपको स्किन इन्फेक्शन हो जाती है बार बार, तो वो एक कॉज बन सकती है आगे जाके. या फिर हैबिट्स में अगर लगा लें पान तंबाकू ज़्यादा है, तो आपको ओरल लाइकिंग प्लानिस हो सकता है. तो ओरल लाइकिंग प्लानिस है वो मोस्टली हैबिट्स की वजह से ही होता है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हैबिट्स की वजह से ही हो. अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो मेल्स में ये 35 से 44 साल के बीच में मोस्ट कॉमनली देखा गया, और फीमेल्स में ये 45 से 55 साल के बीच में देखा गया. हालांकि फीमेल्स में ये मेल के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा होता है. तो इसको पहचानने के लिए कुछ सिंपल से टिप्स हैं, जैसे इचिंग, स्क्रैचिंग और वॉयलेट ह्यू जिसका कलर होता है, रेडिश पर्पलिश होता है, और बर्निंग सेंसेशन होती है, कुछ खाएंगे तो जलता है, वो चीज़ बहुत कॉमन है. उसके साथ साथ अगर उस लीजन को ध्यान से देखेंगे ना, तो उसमें रेडिएटिंग वाइट एंड ग्रे वेल्वेटी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे अगर आप ध्यान से उसको देखें तो. हालांकि अगर आप ना देख पाएं तो ओके, बिकॉज वो डॉक्टर का काम है, आपका काम नहीं है, लेकिन एक वो साइन है उसको पहचानने का कि ये ओरल लाइकिंग प्लानिस है कि नहीं. बाकी अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो पहली बात वही आ जाती है, हैबिट. आपको हैबिट छोड़नी होगी, पान तंबाकू ज़्यादा, स्मोकिंग, जो भी आप कर रहे हैं, जितनी देर से कर रहे हैं वो आपको छोड़ना होगा. उसके बाद आता है जो मेजर यूज़ होता है इसमें, वो है स्टेरॉइड्स. स्टेरॉइड्स का यूज़ इसमें बहुत ज़्यादा है, स्पेशली प्रेडनिसोलोन का काफ़ी यूज़ है. वो हम ट्रॉपिकल यूज़ करते हैं, ट्रॉपिकल अप्लाई करते हैं उस जगह पे, या फिर इंटेलिजेंट इंजेक्शन भी दिए जाते हैं उस चीज़ के. उसके बाद अगर बात करें तो ट्रॉपिकल एंटीफंगल होगी, डैप्सोन थेरेपी हो गई, और सर्जिकल प्रोसीजर तो चलो है ही. तो ये सब चीज़ें हैं ट्रीटमेंट में, लेकिन ट्रीटमेंट बेसिक जो आ जाता है वही आ जाता है कि कॉजेटिव एजेंट जो है वो हमें हटाना है. तो कॉज क्या है, हैबिट है, इन्फेक्शन है, वो हमें हटाना पड़ेगा. हाँ, इम्यूनिटी अगर वीक है तो उसके लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, हेल्दी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, जो कुछ आप कर सकते हैं आप इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वैसी डाइट आपको अडेप्ट करनी होगी अपनी लाइफ में टू गेट अवे फ्रॉम दिस प्रॉब्लम अगर आपको है तो. क्योंकि जब तक कॉज नहीं हटेगा तब तक हमारा जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता. ये लाइकिंग प्लानिस का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसका जो लीजन है वो कहीं ना कहीं OSMF या ल्यूकोप्लेकिया से लोग कंपेयर करते हैं. तो इसीलिए काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे थे कि सर ये मुझे किसी ने कहा है कि ल्यूकोप्लेकिया है या OSMF है. तो ये वीडियो इसलिए ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि आपको क्या है, और आप डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें, खुद अपना ट्रीटमेंट ना करें. और अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत हो तो अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं. विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ. दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो, और आप देख रहे हैं द विजडम टूथ. सी यू टुमॉरो.